हेलो यूज़र, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ अफजल और vidhippo.com की जानिब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप दोस्त खुश होंगे और इन्जॉय करते होंगे अपनी लाइफ में। यूज़र, आज की वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम यूज़र्स के लिए है। जो भी दोस्त इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उनको एक प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। क्या है जी, इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल पर, और कभी कभार क्या होता है कि आप अपने ऑफिस में या घर पर आप अपने लैपटॉप पर बैठे होते हैं या कंप्यूटर पर बैठे होते हैं, तो आपको अपने इंस्टाग्राम पर कोई पिक्चर या वीडियो वगैरह शेयर करना पड़ जाती है। तो फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि भी इंस्टाग्राम में आप अपने कंप्यूटर से लॉगिन तो हो सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप जो है कोई भी पोस्ट वगैरह वहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। लाइक आप वीडियो या पिक्चर वगैरह जो है उसको अपलोडिंग नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप इंस्टाग्राम में जो है वो अपने कंप्यूटर पर कैसे इंस्टाग्राम में पोस्ट जो है कर सकते हैं, लाइक वीडियो या इमेज वगैरह कैसे शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली एक गूगल क्रोम आप यूज़ करते हैं, मोस्टली कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, उसका ही हम यूज़ करेंगे। और उसको हम इजीली, एक छोटी सी ट्रिक है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली एक ट्रिक की मदद से आप इजीली इंस्टाग्राम पर पोस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो चलते हैं आज कंप्यूटर की तरफ और सीख लेते हैं इस ट्रिक को। ट्रिक सीखने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूज़र अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आपके लिए लाते रहते हैं जी। तो यूज़र, यहाँ पर मैंने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर मैं जो है वो अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ, और इंस्टाग्राम जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का डिस्प्ले जो है वो ओपन होता है, अगर आपने लॉगिन किया हुआ तो। अगर लॉगिन नहीं किया तो आप पहले, सबसे पहले उसको लॉगिन कर लें, चूँकि मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है, इस वजह से मुझे जो है वो मेरा आईडी यहाँ पर लॉगिन आ गया है। तो यहाँ पर साहिवाल मीडिया का जो है वो पेज जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम जो ओपन किया हुआ है, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो यूज़र इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह से साहिवाल मीडिया के पेज पर कुछ पोस्टें वगैरह नज़र आती हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कहेगी कि हम यहाँ पर कोई भी पोस्ट को यहाँ पर शेयर करें। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे हम इसको जो है वो पोस्ट करेंगे यहाँ पर? तो सिंपली हमें करना क्या होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है इंस्पेक्ट की ऑप्शन है, और यहाँ पर आप सिंपली इंस्पेक्ट की ऑप्शन को ओपन कर लें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा जो है वो मोबाइल का आइकॉन डिस्प्ले होगा। इस मोबाइल के आइकॉन पे जो है वो आप क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम की स्क्रीन होगी वो मोबाइल में कैसे डिस्प्ले होती है, सेम जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर टॉप पर देखें तो यहाँ पे गैलेक्सी S5 डिस्प्ले किया जा रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर iPhone X की स्क्रीन डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर हमें iPhone X की स्क्रीन डिस्प्ले हो गई। अब जो है मैं यहाँ पर कोई iPad Pro को यूज़ करना चाह रहा हूँ, जैसे वहाँ पर हमें कैसे डिस्प्ले होगा, ये उसी तरह आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। और अगर आपने यहाँ पर कोई भी अपनी कस्टम डिवाइस ऐड करनी है तो सिंपली एडिट के बटन पर क्लिक करें, तो यहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस आपको जो यहाँ पर दी गई हैं जिनको आप जो है सिंपली क्लिक करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर जो है गैलेक्सी S5 को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी तक हमें यहाँ पर ऑप्शन डिस्प्ले नहीं की गई कि हम यहाँ पर कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो यूज़र, यहाँ पर जैसे ही आप अपनी डिवाइस सिलेक्ट कर लेंगे, इस डिवाइस सिलेक्ट करने के बाद जो है वो रिफ्रेश के बटन पर आप क्लिक कर लें। यहाँ पर जो है मैं सिंपली रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अब अगर आप बॉटम पे देखें तो हमें जो है वो ऐड का बटन जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, जिसके थ्रू हम जो है वो यहाँ पर पोस्ट कर सकेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, प्लस के साइन पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर कोई भी इमेज वगैरह जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज ये मैंने कुछ दिन पहले जो है वो साइबल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी, सिंपली उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके थंबनेल को, और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब जो है ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको जो है मुझे यहाँ पर क्लिक करके इसको जो है वो साइज़ को जो है वो बेहतर करना होगा। इसको मैंने साइज़ को बिल्कुल सही कर लिया। उसके बाद टॉप पर आपको
नेक्स्ट का बटन डिस्प्ले हो रहा है, सेम जैसे आपको मोबाइल पर स्क्रीन डिस्प्ले होती है सेम वैसे ही यहाँ पर आपको डिस्प्ले की जा रही है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप कोई भी कैप्शन वगैरह देना चाहें या आप ऐड लोकेशन, कोई ऐड लोकेशन यहाँ पर लोकेशन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, और टैग पीपल किसी को आप जो है वो टैग करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर टॉप पर आपको शेयर का बटन डिस्प्ले किया जा रहा है, सिंपली शेयर के बटन पर क्लिक करें तो आप जो है इस पोस्ट को ईजिली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो यह है सिंपल सा तरीका जिसकी मदद से आप अपनी पोस्टिंग को जो है वो इंस्टाग्राम की पोस्टिंग को अपने कंप्यूटर या पीसी वगैरह पर कर सकते हैं। जी तो यूज़र, आज की इंस्टाग्राम की ट्रिक आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और कोई अच्छी ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगेबान।